आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की चपटी नाक को कैसे सुडौल सीधा बनाए, आकर्षित बनाए। उसके लिए बहुत से जो महिलाएं हैं वो परेशान होती हैं कि मेरे बेबी की नाक थोड़ी सी बैठी हुई है या चपटी हुई है, तो क्या वो सीधी हो सकती है, क्या वो अच्छे से शेप में आ सकती है। तो ये सभी चिंताएं जब उनके मन में चलती रहती हैं तो उनमें ये जानने की जिज्ञासा जरूर रहती है माँ में कि क्या उनके जो बच्चों की नाक है वो सीधी हो सकती है या नहीं। तो देखिए, पूरी तरह से तो वो ठीक नहीं हो पाएगी, बट कुछ मसाज करने से जो उनकी जो शेप है तो वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है। और जब बेबी बड़ा होता है, बड़ा होते होते जो उसके बोन्स होते हैं, जो नोज के हड्डियाँ होती हैं, उनमें चेंजमेंट होते हैं, वो जब बड़ी होती है तो उससे भी आपके जो बच्चे की नोज़ में अंतर आता है। जय माता दी। वेलकम टू आवर चैनल मेजिकल मॉम्स डायरी। और आज का टॉपिक है बच्चों के जो कि चपटी नाक होती है। तो हम जब छोटे बेबीज होते हैं तो हम जब ऑल मसाज करते हैं तो ऑल मसाज के दौरान हम बच्चों की नाक को आकर्षित बना सकते हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, आप जब बेबी की मालिश करें तो आप हल्के हाथों से उसकी जो नोज़ है उस पर भी मसाज करें। तो ये आप थंब का सहारा ले सकती हैं, आप थंब से अपने बच्चों की इस तरह से मसाज कर सकती हैं। ऊपर की ओर उठाएं, ना नीचे की ओर मत उठाएं। जब हम तेल लगाते हैं पहले हल्का सा ऑयल लगा लें, या सरसों का तेल से मालिश करती हैं, आप जिस तेल से मालिश करती हैं आप उसको नोज़ पे इस तरह से लगाएं और हल्के अंगूठों से प्रेस करके ऊपर की ओर इस तरह से ऊपर को उठाएं, या आप ये दो फिंगर की मदद से भी इस तरह से उठा सकती हैं। जो पीछे ये हड्डियाँ होती है आप उसको हल्के हाथों से ऊपर की ओर इस तरह उठाना है, जिससे आपके बेबी की जो नोज़ है शेप में आ जाए। इतनी बार करें, उसके बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन में आ जाए। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम आईडी मेजिकल मॉम्स डायरी जो चैनल का नेम है वही है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये मालिश या मसाज कितनी बार करें, तो आप डे में 2 से 3 बार कर सकती हैं। मालिश भी आप बच्चों की 2 बार कर सकती हैं, इससे आपके बच्चे को बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी। बच्चा हेल्दी भी होता है, उसका शरीर भी अच्छे से बनता है, तो मालिश करने से बच्चा बहुत जल्दी चलने भी लगता है। तो आज का वीडियो टॉपिक था कि नोज़ शेप में कैसे लाएँ, चपटी हुई नाक को उभरी कैसे बनाएँ। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई आप उसको फॉलो करेंगी तो आपके जो बेबी की नोज़ में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।